अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। अरे रुको तो, एक मिनट। अरे सुनो, देखो महारानी को, चली काम पे, जैसे ये हमारा पेट पाल रही हो, ये हम इनके नखरे झेलते हैं। हम तो नौकर हैं ना, सारा दिन घर का काम हम करें और ये अपने काम की शान दिखाती है। वैसे बिट्टू, तुम्हारी गिनती भी ना अब हमारे लिस्ट में शामिल हो चुकी है, नौकर बन के रह गई हो तुम। जेठानी तो बस नाम की रह गई हो तुम। तुम्हारे बच्चे को मार दिया इसने और तुम कुछ नहीं कर पाए। यही चलता रहा ना तो हमें बस इसकी चाकरी करनी पड़ेगी। ये जो कहे वो करना होगा। बिल्कुल सही। अरे ये बेचारी अपने बच्चे के लिए मीरा से कुछ नहीं कह पाई तो और आगे क्या ही कहेगी। ये तो दबी कुचली छोटी बेचारी बहन है और वही रहेगी। जेठानी नहीं बन पाएगी। सही कह रही हो मंजू, हम तो बस दीवार पे अपना सर मार रहे हैं। तुम करो तुम्हें जो करना है, यही जिंदगी रह गई है तुम्हारी। ये लीजिए मेरा बेटा। दवाई हम खुद ले सकते थे ना। अरे तुम्हें देर हो जाएगी, चले जाना चाहिए था। कितनी फिक्र करोगी तुम हमारी। वेरी गुड। बाय। रुकिए मीरा दीदी। हाँ बिट्टू बोलो। आप रिहर्सल पे जा रही हैं? बिना खाना बनाए? बिट्टू एक्चुअली ना हमें रिहर्सल के लिए बहुत देर हो रही है। आज का लंच तुम बना लोगी क्या प्लीज? हम क्यों बनाए, हम क्या आपके नौकर हैं? खाना बनाना आपका काम है दीदी। हम सीधे उसका फायदा मत उठाइए आप। एक तो आपने हमारा बच्चा मार दिया और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम खुशी खुशी आपके हिस्से का भी काम करेंगे। आप खुद सबका खाना बना कर जाएंगी। बिट्टू ये क्या तरीका हुआ अपने बड़ों से बात करने का? तुम मीरा से ऐसे बात करोगी? अम्मा जी सही तो कह रही है ये। क्या गलत कहा बिट्टू ने? और तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपनी जेठानी से इस तरह बात करोगी अब? शीला तुम दोनों ना मिलके ये। दादी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हम खाना बनाकर चले जाएंगे।
रुक जाओ मीरा। तुम्हें रिहर्सल पे जाना है ना, तो जाओ ना। काम हम देख लेंगे, जाओ। अब पार्थ, हमने सोचा नहीं था कभी कि हमारा बेटा हमें अपनी बीवी की नौकरानी बनाएगा। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आज का खाना हम बनाएंगे। लो जी, कर लो बात। यूं तो हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पत्नी कमाने जाएगी और पति खाना बनाएगा। चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? चाची जी, एक बात बताइए, इसमें बुराई क्या है? हाँ, एक शादी में दोनों की जिम्मेदारी तो बराबर होती है ना। वालला, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर? लेकिन पार्थ, लेकिन क्या मीरा, तुमको हम पे भरोसा नहीं है? हम खाना अच्छा नहीं बना सकते? नहीं पार्थ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। तो बात खत्म, आप जाइए, खाना हम बनाएंगे। अरे जाइए ना। दादी, शुरू करें फिर। यही बेहतरीन मौका है हमारे लिए, बस अब देखो। हेलो, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। आज तो हम बहुत लेट हो गए। रुद्र को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्या कहेंगे उसे। रुद्र, वो हम घर से बहनी ने
अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।